Hello dear students, today I am going to start chapter number 5, Human Capital Formation, in this video. We are going to cover following topics in this video, that is introduction, meaning of human capital formation, sources of human capital formation, human capital and economic growth. First of all, introduction. Human resources are important part of economic development, are very important from the point of economic development. क्योंकि जब हम बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज की तो ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी को इंक्रीज करना इज इम्पॉर्टेंट टास्क बिहाइंड द इकोनॉमी. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज मींस इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. एक सिंपल अगर हम बात करें, कोई भी काम अगर कोई पर्सन कर रहा है तो कितना एफिशिएंटली वो काम कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटीज, ऑन द स्किल्स, ऑन द नॉलेज, ऑन द लर्निंग. सो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मींस टू इंक्रीज देयर क्वालिटी. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, दैट इज ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. फिजिकल कैपिटल वो गुड्स होते हैं, वो कैपिटल होता है, वो इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने लगाया है रॉ मटेरियल के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए. मीन्स वो पैसा जो हमारी हेल्प करेगा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ऑल द इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन. एंड सेकेंड इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. Human capital formation refers to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge in the people, embodied in the people. अब यहाँ पर ये बात कर रहा है ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल का मतलब है वो ऐसा कैपिटल, ऐसा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन पर्सन के अंदर जिससे उसके स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन और नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव हो, डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल पर्सन की, दैट इज ह्यूमन कैपिटल. वी आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंस बिटवीन देम एज वेल, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. फिजिकल कैपिटल इट इज़ टैंजिबल एंड कैन बी ईजिली सोल्ड इन द मार्केट. टैंजिबल मीन्स द थिंग विच वी कैन सी, विच वी कैन टच, विच वी कैन फील, दैट इज फिजिकल, दैट इज टैंजिबल. मीन्स फिजिकल कैपिटल इज टैंजिबल एंड कैन ईजिली सोल्ड इन द मार्केट, वेयर एज ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल and cannot be sold in the market. Physical capital depreciates with passage of time, with a long period of time. जैसे time increase होता जाएगा physical capital हमारा decrease होता जाएगा, means depreciation लगता जाएगा. अगर हम बात करें building की, आपने new building बनाई है, it looks very good, फिर next year उस पर maintenance charges लगेंगे, उसकी value थोड़ी कम हो जाएगी, again next year उसकी value और कम हो जाएगी because of maintenance charges and all. तो यहाँ पर उन्होंने बात करी कि अगर हम बात करें फिजिकल कैपिटल की तो इट डिप्रिशिएट्स विद पैसेज ऑफ टाइम, एंड अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, इट इज़ रिड्यूस्ड, नो इश्यूज, इट कैन बी रिड्यूस्ड, बट डिप्रिसिएशन जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है इफ वी आर गोइंग टू हैव कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन इन एजुकेशन एंड हेल्थ. अगर हम एजुकेशन और हेल्थ में कॉन्टीन्यूसली इसमें पार्टिसिपेट करें, कॉन्टीन्यूसली इसमें इन्वेस्टमेंट करें, देन वी कैन डिप्रिशिएट द we can reduce the depreciation value in human capital. Simple terms में अगर हम बात करें तो एक human capital की क्षमता को हम तब तक control कर सकते हैं जब तक हम उसमें education और health से investment कर सकते हैं. Physical capital is more mobile between countries, means movement can be easily done within the countries for physical capital, and human capital movement can't be done easy. It is easy, we can go to other countries, but ह्यूमन कैपिटल का मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पे लेबर बहुत कम है, वो लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करते हैं वो टेक्निक्स एंड लेबर बहुत कम है, तो क्या वो इंडिया से लेबर ले जा सकते हैं अपने देश में? डेफिनेटली नो. इतने ज़्यादा लोगों को वो अपने देश नहीं लेके जा सकते, अपने एरिया में नहीं लेके जा सकते, अपनी कंट्री नहीं लेके जा सकते. रीज़न वॉज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मूव human capital from one place to another. They have to bear the expenditure for their living, their sanitation, their health facility, their education facility. So it's a burden on them.
देन फिजिकल कैपिटल लाइक मशीनरी कैन बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, यस इट कैन बी सेपरेट. अगर आपने कोई सेल कर दिया कोई सामान तो वो आपका नहीं है, अब जिसने जो बायर है वो अब उसका सामान है, इट कैन बी सेपरेट फ्रॉम द ऑनर. बट ह्यूमन कैपिटल लाइक स्किल्स ऑफ अ पर्सन कैन बी सेपरेट फ्रॉम द ऑनर. देन फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ऑनर एंड इज मेनली इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस. अगर हम बात करें फिजिकल कैपिटल की तो ये डिसीजन है ऑनर का, वो कितना प्रोड्यूस करना चाहता है, वो कितनी प्रोडक्शन करना चाहता है अपनी गुड की, या वो किस तरीके से उसको मैनेज करता है. बट फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज अ सोशल प्रोसेस. कहते हैं ना आपका बिहेवियर बताता है कि आपकी फैमिली किस तरीके की है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल. फॉर्मेशन जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो किस तरीके से बना है, उसकी मेंटालिटी क्या है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी कि वो किस तरीके से कहाँ पे है. इट कैन बी बिल्ट थ्रू इम्पोर्ट्स. फिजिकल कैपिटल कैन बी बिल्ट, कैन बी इंक्रीज थ्रू इम्पोर्ट, बट नो, फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस. प्रॉपर अगर हम पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी बना के तभी काम हो पाएगा इसका. हाउ पीपल बिकम रिसोर्स. अगर हम बात करें पीपल की, वो रिसोर्स कैसे बन सकते हैं, इट कैन बिकम रिसोर्स, दे कैन बिकम रिसोर्स बाय यूजिंग द स्किल, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एंड एबिलिटीज. अगर ह्यूमन एजुकेटेड है, हेल्दी है, नॉलेज है उसको, एंड ही इज और शी इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव एनी प्रोडक्टिव वर्क, देन ही इज अ ह्यूमन रिसोर्स, अदरवाइज नॉट. वट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. We learned what is human capital and now what we are going to learn what is human capital formation. Human capital formation refers to development of abilities and skill among the population of the country. Population of country, अपने देश की population के अंदर development करना abilities and skill means to improve the skill, to increase the abilities and skills in the people. What are the sources of human capital formation? There are 5 sources of human capital formation: expenditure on education, expenditure on health, on the job training, expenditure on migration, expenditure on information. Now I'm going to discuss first expenditure on education. अगर हम बात करें, हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो we have to spend a lot of money for that. So labor skill can be educated person is more than that of an educated person. लेबर स्किल अगर हम बात करें, एजुकेटेड पर्सन की लेबर स्किल ज़्यादा अच्छी होगी अनएजुकेटेड से. मीन्स अगर एक पढ़ा लिखा पर्सन कोई काम कर रहा है तो उसका जो काम होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन. सो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज. अगर हम अपनी एजुकेशन पर खर्च करते हैं तो वी आर बिल्डिंग अवर सेल्फ, वी आर डेवलपिंग अवर सेल्फ. Individuals invest in education to increase their future income and raise the living standard. That is the main purpose why we educate ourselves. Education contributes to economic growth because education confers higher earning capacity on people. Hamari income increase hoti hai, standard acha hota hai, living standard, we make better choices in life ki hame kya karna hai, kaise karna hai, kahan rehna hai. We are the better judge for ourselves after that. और हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है किसी भी काम को करने के लिए, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट मोर. हमारे इनोवेशंस होता है, मीन्स वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू एक्टिविटीज, न्यू क्रिएटिविटीज करने का हमें चांस मिलता है बिकॉज ऑफ अवर नॉलेज ओनली. न्यू टेक्नोलॉजीज को हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी इजीली अडैप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज. देन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. हेल्थ की अगर हम बात करें तो हम हेल्थ को डायरेक्टली बोलेंगे. अगर हम हमारी पुअर हेल्थ है तो इट मींस वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. जो भी पर्सन बीमार होता है वो कोई भी काम नहीं कर सकता, और कोई काम भी करेगा तो भी उसका माइंड कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा और वो काम गलत हो सकता है. सो पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ अ मैन पावर मतलब एक पर्सन की क्वालिटी को एडवर्स इफेक्ट करते हैं. सिक लेबर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है उसके पास, तो इससे प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन द सोसाइटी. द जॉब ट्रेनिंग का मतलब सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, जो भी पर्सन काम कर रहे हैं, जो भी पर्सन
आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये है कि आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नया एडवांसमेंट आता है, तो हमें उनको ट्रेनिंग देनी होती है. वी ट्रेन देम, वी ट्रेन देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड स्किल, एंड दिस विल आल्सो इंक्रीज देयर स्किल एंड एफिशिएंसी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होगी. साइड बाय साइड जो आपका एम्प्लॉई है वो आपसे लॉयल होगा, वो आप ये सोचेगा कि आप उनके बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, सो आप उनके बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हैं, जिससे वो और अच्छे से आपके साथ काम करेगा. इट कैन बी ऑफ कैंपस ट्रेनिंग एज वेल. देन एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, अगर कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में शिफ्ट होते हैं पीपल, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स माइग्रेट होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो दिस विल लीड टू द कॉस्ट ऑफ लिव एक्सपेंडिचर. माइग्रेशन के कॉस्ट को बोलते हैं इसे. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें इंक्लूड होती है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्लूड होती है, क्योंकि आप कहीं और जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉपर सारा सामान खरीदना पड़ेगा, चाहे आप बात करें वहाँ पर रहने की, आपको हाउस चाहिए, वहाँ पे शेल्टर चाहिए, देन खाना पीना और हर एक छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है आपने वहाँ पर, सो इट विल ऐड टू द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन. देन एक्सपेंडिशन ऑन इन्फॉर्मेशन, अगर आप मार्केट की बात करें, मार्केट में आप कोई भी सामान खरीदते या बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ फैक्ट्री, और आपको ये पता लगाना है कि आपके मार्केट में आपके गुड की कितनी डिमांड है, सो यू हैव टू टेक इन्फॉर्मेशन. आपके उसके लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल करस्पॉन्डेंट्स, कोई भी मेथड यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आप डिमांड कितनी है, कितना आपका सामान पसंद किया जा रहा है या नहीं पसंद किया जा रहा, सो दैट दैट ऑल्सो लीड्स टू अ कॉस्ट. तो ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, दैट केम अंडर एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. नाउ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत क्लोज रिलेटेड हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा, एफिशिएंसी और स्किल्स इंक्रीज होंगे, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और अच्छी होगी. इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल वर्ड में मीनिंग्स है हमारी इनकम इंक्रीज होना, रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होना. द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट पर्सन, एज वी नो. जो अगर हम बात करें लिटरेट पर्सन, जो एजुकेटेड हैं, उनकी जो इनकम है उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि जब वो बात कर रहे हैं अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए, तो वो बात कर रहे हैं अपने स्किल्स, अपनी एफिशिएंसी, अपनी नॉलेज, अपने इनोवेशंस को यूज़ करने की, और उससे डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सकती है इकोनॉमिक की. देन जो हेल्दी पर्सन है वो और अच्छे से कर सकता है, इसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ के अलावा. अगर हम बात करें तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी आता है, माइग्रेशन भी आता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया, ह्यूमन कैपिटल इन शॉर्ट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से हमारी इन्वेंशंस प्रमोट इन्वेंशन इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स एज वेल. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नॉट ओनली इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. इट हेल्प्स अस टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजीज एज वेल. एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी. हम सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या नए इनोवेशंस आ रहे हैं, एजुकेशन हेल्प देम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट. दैट्स वाई द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्रूव्स, द ह्यूमन कैपिटल डेवलप्स हिमसेल्फ.